हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? वेलकम टू ड्रोन टाइप डॉक्टर वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट आस्क क्वेश्चंस अबाउट DJI ड्रोन्स। तो ये मैं सीरीज इसलिए बना रहा हूँ, पार्ट वन है। अगर इसमें सारे कवर नहीं हुए क्वेश्चन तो पार्ट टू में बाकी कवर करूंगा। इसमें बताने वाला हूँ DJI के ड्रोन से रिलेटेड ऐसे सवाल जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है, और ये बहुत बार मेरे से पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो अभी लेटेस्ट बना दिया जाए 2020 में, ताकि सबके क्वेश्चंस के आंसर्स एक वीडियो में आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और डेफिनेटली अगर आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस होंगे जो मैं बताने वाला हूँ इनके आंसर, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है ये। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, सबसे पहले सबसे ज़्यादा पूछे वाले जाने वाला सबसे वाला मतलब हर टाइम मुझे ये एक दो घंटे में ये कमेंट में आ जाता है क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये है कि हम DJI के जो छोटे ड्रोन जैसे मिनी एंड मिनी 2 वगैरह इंपोर्ट करवा सकते हैं ऑनलाइन, लाइक अलीबाबा एंड ऑल दैट साइट से। तो मैं आपको सिंपली रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो करंट हैं, मैंने इसमें बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो कार्ड्स पर हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो इम्पोर्ट जहाँ पर वर्ड आ रहा है, और DJI के ड्रोन, इवन कोई भी ड्रोन, इवन टॉय ड्रोन की भी है, अगर आपके दिमाग में कि मैं इम्पोर्ट करा लूँ, 1-2 हज़ार रुपये वाला ड्रोन को इम्पोर्ट करवा लें, सस्ता है, टॉय ड्रोन को इम्पोर्ट करवा लूँ, तो उसका आंसर है नो। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस अभी एट प्रेजेंट 2020 में आप इम्पोर्ट नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि जो लंबा चौड़ा प्रोसेस है इम्पोर्ट की परमिशन लेने का एंड ऑल दैट, काफ़ी लंबा चौड़ा है, मैंने सब डिटेल में बताया हुआ है। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर चाहिए, वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो वो अभी शुरू ही नहीं हुआ ढंग से, मतलब पूरा प्रोसेस है वो बहुत लंबा चौड़ा है, वो अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। तो सिंपल आंसर है इम्पोर्ट ना करवाएं। करवाएंगे तो क्या होगा, आपका ड्रोन चाहे टॉय ड्रोन है चाहे DJI का ड्रोन है फंस जाएगा कस्टम में, आपके पैसे भी जाएंगे, आपका टाइम भी वेस्ट, पैसे भी वेस्ट, ना आपको ड्रोन मिलेगा। हजारों लाखों में या हजारों में मैं बात करूंगा, टॉय ड्रोन की अगर बात करें तो किसी किसी का ड्रोन आ जाता है गलती से, वो तब आता है, कई बार कोई जो ऑफिशियल है उसने ध्यान से चेक नहीं किया है, कई बार कंपनी पीछे से टॉय ड्रोन वाली, जैसे चाइनीज ड्रोन, DJI ऐसी कंपनी ऐसा काम नहीं करती, जो पीछे से ड्रोन आ रहा है ऐसे टॉय ड्रोन है, उसने उसके ऊपर रिमोट कार लिख दिया है, वो एक आध लोगों के पास पहुंच जाता है। तो इम्पोर्ट कभी मत कराएं ड्रोन। दूसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि मेरा फ्रेंड, मेरा रिलेटिव, मेरे चाचा जी, मेरे ये वो जो भी है बाहर रहते हैं या कोई बाहर जा रहा है और वहां पर ड्रोन मिलता है और वहां से वो ला सकता है, तो मेरा आंसर है यस, ला सकते हैं, लेकिन डिसमेंटल करके लाइए। और जब आप बाहर से मंगवाते हैं तो डेफिनेटली DJI का ड्रोन मंगवाएंगे ना, तो DJI का जब ड्रोन मंगवाएंगे, फ़ायदे क्या है इसके? सबसे पहले तो आपको रेट ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि इंडिया में जब ड्रोन आता है तो बहुत ज़्यादा ब्लैक होती है उसकी, बेसिकली अगर $500 का ड्रोन है तो वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है जब वो लॉन्च होता है। जैसे अब मिनी 2 लॉन्च हो चुका है कल परसों, जिसने वीडियो नहीं देखा जाके देख सकता है। तो मिनी 2 $450 का है, ठीक है, उसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाला कि कॉम्बो लें या सिंगल लें, तो उसके लिए सिंगल, मैं अभी पहले बता रहा हूँ सिंगल लें, सिंगल इज़ बेस्ट, क्योंकि सिंगल में बहुत कुछ मिल रहा है उसमें, तो उसकी बाद में बात करेंगे, ये वीडियो वो नहीं। तो जो भी ड्रोन है DJI का वो यहाँ महंगा मिलेगा, तो ये डेफिनेटली इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि अगर आपका कोई रिलेटिव बाहर जा रहा है या वहाँ से आ रहा है तो आप मंगवा सकते हैं। आप लेके कैसे आना उसमें, ये मत समझ लीजिए कि बहुत आसान है लाना, बेसिकली आपको डिसमेंटल करना, डिसमेंटल मतलब उसकी बैटरी, प्रोपेलर सब अलग अलग बैग में रखना है और फिर वो लेके आना, ठीक है। नंबर 2, ये मत समझ लें कि 99% इट वर्क्स, पर 1-2% चांस है, अगर आप बड़े कंफ्यूज लग रहे हैं या आपका रिश्तेदार जो लेके आ रहा है वो थोड़ा टेंस है, और वो टेंस के जो भाव है ना, कस्टम वाले बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं भाई बंदे के पास कुछ है, और वहां पर अगर आपका डब्बा खुल गए तब डब्बा तो लेके नहीं आना, मतलब वो उन्होंने अच्छे से बैग की चेकिंग कर ली तो आप गए काम से, आपका ड्रोन कॉन्फिस्टिकेट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ड्रोन आर नॉट अलाउड येट एट प्रेजेंट इन 2020। अगर आपका ड्रोन आपके बैग में मिल गया और उन्होंने पहचान लिया कि ड्रोन है तो वो कॉन्फिस्टिकेट कर लेंगे, ठीक है। तो डिसमेंटल करके आराम से लेके आए,
काफी लोग लाते हैं, ला सकते हैं। और बड़े ड्रोन्स जैसे फैंटम वगैरह मत लाएं, वो बहुत आसानी से ट्रैक हो जाते हैं, वो मत लाएं। जैसे हमारे पास मिनी टू हो गया, माइक एयर टू हो गया, ऐसे ड्रोन्स आप ला सकते हैं, पर वो भी डब्बा नहीं लेके आना, और प्रोपेलर अलग, बैटरी अलग, रिमोट अलग, ऐसे अलग अलग पार्ट्स में लेके आना है। समझ गया? ये कर लेंगे तो आपके पास ड्रोन बहुत अच्छे रेट पे आपको इंडिया में बैठे बैठे मिल जाएगा। अब तीसरा बहुत पॉपुलर क्वेश्चन जिसका मैं जवाब दे चुका हूँ कि इंडिया में वो लोग कहते हैं इतना महंगा क्यों है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी इम्पोर्ट नहीं शुरू हुआ ढंग से। अगर ऑफिशियली रिमोट शुरू होता तो मैं अपना ड्रोन का स्टोर सबसे पहले खोलूंगा, क्योंकि काफी फॉलोअर्स हैं मेरे पास ड्रोन का, और वो मेरे से पूछते रहते हैं कहाँ से जेन्युइन सोर्स है, तो मैं खुद सोर्स बन जाऊंगा। बट अभी वो चीज़ शुरू नहीं हुई है, अभी वो प्रोसेस नहीं है। तो किस तरह से आते हैं वो आपको सबको मालूम है कि जैसे आते हैं वो अलग चैनल से आते हैं। अब जब उस अलग चैनल से आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे की उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा इनपुट हो जाती है, तो उसके हिसाब से वो महंगा मिलता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? ये तीसरा बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा वाला, चौथा मेरे से पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा, एंड लॉट ऑफ ट्रैवलर्स आस्क दिस क्वेश्चन, तो मैं इंग्लिश में ही बताऊँगा। लॉट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स कम टू इंडिया एंड दे हैव ड्रोन विद देम एंड दे वॉन्ट टू नो that how we can travel with that in different cities of India or different states of India. लोग कहते हैं, और ये इंडियंस भी काफी मुझसे पूछते हैं कि अगर आपके पास ड्रोन है आपने ट्रैवल करना है, ये ट्रैवल करना चाहते हैं जैसे तमिलनाडु से चेन्नई, चंडीगढ़ आना है, पंजाब से वहां जाना है, तो ड्रोन का ड्रोन के साथ ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? तो आंसर इज यस, ड्रोन आर नॉट अलाउड even at our interstate airports, okay? If you want to travel in India with drone, travel with train, travel on the by train, or travel by your private car, or travel by your by bus. These three are the safest when you are traveling with drone. Otherwise, if you are traveling by air, there is chances, 100% chances that your drone will get confiscated. If you are a foreigner, definitely they will definitely pinpoint you that you must be having drone and they will confiscate that. So beware, if you are a foreigner or even Indian, then don't travel with drone by air. So simple, मैं आप बता देता हूँ, ये foreigners के लिए था, काफ़ी question मेरे पास बाहर से भी लोग पूछते हैं। तो अगर आप drone लेके travel कर रहे हैं, या तो train में जाइए, या bus में जाइए, या अपने car में जाइए, अपने vehicle में जाइए, bike में जाइए, trip बनाइए। बाय एयर जा रहे हैं तो डेफिनेटली खतरा है, क्योंकि बाय एयर एयरपोर्ट आ गया और एयरपोर्ट पे वही रूल्स लागू हैं जो बाहर से अगर एयरपोर्ट आता तो वो लागू होते हैं। तो एयरपोर्ट पे ड्रोन्स आर नॉट अलाउड, ओके? तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले चार या पांच क्वेश्चन थे, तो इस पे मैंने आपका सवाल दे दिया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके अलावा और भी कोई अगर स्किप हो गया क्वेश्चन इसके बाद आप जब कमेंट्स में लिखेंगे तो मुझे पता लगेगा कौन से और ज़्यादा क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो वो मैं इसमें डालूंगा। और मोबाइल से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको ऐसे वीडियो में सीरीज में शुरू करूंगा। तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपकी कोई क्वेरी रह गई हो जो कि बहुत पॉपुलर है, आप जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट्स में लिखें, तो एक मेरा रिकॉल हो जाएगा, तो मैं एक और पार्ट टू इस वीडियो का ज़रूर बना दूंगा। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड, थैंक यू वेरी मच, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ड्रोन कम्युनिटी एंड टेक गैजेट्स भी हम शेयर करते हैं, आपको मालूम है मोबाइल्स के भी, और सब आई वॉन्ट टू शेयर माई नॉलेज, दैट इज़ माई एजेंडा। नॉलेज शेयर करते हैं तो नॉलेज बढ़ता है, ठीक है? और आपको जो भी मेरी टिप्स मिलती हैं तो आगे शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। ओके, थैंक यू, जय माता दी।